सभी को नमस्कार, मैं हूं पंकज मौर्य और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको देंगे गेहूं की खेती के बारे में पूरी जानकारी शुरू से अंत तक। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट भी बहुत दिन से कर रहे थे कि गेहूं की खेती पर पूरा वीडियो दीजिए, तो आज हम आपके सब लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, बहुत ही ज़रूरी जानकारियां हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, भारत गेहूँ उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है। उन्नत विधियों को अपना कर गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं गेहूँ की खेती की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी पर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की उन्नत प्रजातियों के बारे में। भाइयों, अगर आप समय पर बुआई करते हैं और आपके यहाँ सिंचाई की बेहतर सुविधा है तो आपके लिए सबसे अच्छी प्रजातियाँ हैं HD2967, PBW343, DBW17, PBW550, PBW502। इनकी बुआई आप 10 नवंबर से नवंबर के अंत तक आराम से कर सकते हैं, और यदि आप पिछेती बुआई करते हैं और नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर के अंत तक बुआई करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्य जो प्रजातियां हैं वो हैं PBW590, PBW373, WH1021। और सारी बहुत वैरायटियां हैं लेकिन जो मुख्य वैरायटियां थी वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप बहुत ही देर से बुआई करना चाहते हैं या सरसों और आलू की खुदाई करके बोना चाहते हैं तो आप कुंदन और PBW314 की बुआई आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अपने देश में गेहूं की बुआई सामान्यतः 10 नवंबर से शुरू हो जाती है और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चलती रहती है। उसी के अनुसार प्रजातियों का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। 25 दिसंबर के बाद गेहूं की बुआई करने से उपज में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। बीज हमेशा प्रमाणित होना चाहिए और कटे पिटे और रोगग्रस्त दाने उसमें नहीं होने चाहिए। यदि बीज उपचारित नहीं है या आप अपने खेत का पिछले साल का बोया हुआ जो गेहूँ आपने काटा था उसका बीज प्रयोग करना चाहते हैं तो बीज को जो है थायराम या कार्बेंडाजिम या जो मार्केट में साफ नाम से दवा मिलती है, नीला पाउडर होता है, उसी से आप 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचार कर लीजिए, उसके बाद ही अपने खेत में बोएं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, बीज की मात्रा अगर आप समय पर बुआई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है, और यदि आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की दर रखें, क्योंकि पछेती बुआई में कलों की मात्रा जो है वो कम रहती है। और अगर आपके नज़दीक सीड ड्रिल उपलब्ध है तो बीज की बुआई हमेशा सीड ड्रिल से ही बोएं। इससे जो है जमाव अच्छा होता है और कलों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है। बीज की बुआई 22 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में करें। आप 15 से 22 सेंटीमीटर के बीच में भी रख सकते हैं, और बीज की गहराई नमी के अनुसार 5 से 8 सेंटीमीटर रखें। ज़्यादा नमी में बीज गहराई पर अगर आप बो देंगे तो बीज सड़ जाता है और उसकी जो अंकुरण परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो किसान भाइयों, समय से बुआई करने पर जो बुआई के समय 50 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में ज़रूर मिलाएं, और खेत में 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद, 12 से 15 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ खेत में 1 सप्ताह पहले ज़रूर डाल दें। इससे पैदावार में काफ़ी इजाफा होता है। देर से बुआई करने पर उर्वरकों की जो मात्रा हमने ऊपर बताई है उसमें से 20% मात्रा कम कर दें सभी की, उसके बाद खेत में डालें। जब फसल 22 से 25 दिन की हो जाए तो प्रथम सिंचाई ज़रूर करें। यह सिंचाई सबसे आवश्यक होती है क्योंकि इस समय मुख्य जड़ का जो शिखर जड़ बोला जाता है तो उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। सिंचाई के बाद जब पैर थमने लगें तो खेत में 45 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को खेत में ज़रूर डाल दें। उसके बाद जब कल्ले अधिक मात्रा में निकल चुके हों तब 25 किलोग्राम यूरिया और 5 से 8 किलोग्राम सल्फर एक साथ दोनों को मिला लीजिए खेत में, खेत के पास ही अपने मिलाइए, और मिलाने के बाद अगर वो पाउडर मिक्स नहीं होता है तो आप हल्का सा पानी का फवारा से छींटा दे सकते हैं, उसके बाद सल्फर को उसमें मिला लीजिए, और ये खेत पर ही करिए ताकि यूरिया जो है वो घुलने ना पाए, और उसके बाद आप टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए अपने खेत में।
इससे फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं। मिट्टी में नमी कम होने पर सिंचाई करते रहें और जब फूल निकलने से पहले की जो अवस्था होती है उस समय 25 से 30 किलोग्राम यूरिया खेत में ज़रूर डाल दें, और जिससे क्या होता है कि बालियां जो होती हैं वो एक साथ निकलती हैं और यूरिया डालने के 3-4 दिन बाद NPK 0050 की जो NPK का ग्रेड आता है 0050 उसकी 1 किलोग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव ज़रूर कर दें। इससे दानों में चमक बहुत बढ़िया आती है और बाली जो है भरपूर दाने से होती है। किसान भाइयों, यदि पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तो गेहूं में 6 सिंचाई बहुत ही आवश्यक हैं और वह बोने से कितने दिन बाद करनी चाहिए तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो में देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो पहली सिंचाई करनी चाहिए वो बुआई के 22 से 25 दिन बाद करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिन बाद करनी चाहिए और चौथी सिंचाई जो है बुआई के 80 से 85 दिन बाद करनी चाहिए। पांचवी जो सिंचाई होती है वो दुग्धावस्था पर, यानी जब बुआई के 110 से 115 दिन हो जाते हैं उस समय करनी चाहिए। और जो छठी सिंचाई है वह बुआई के 120 से 135 दिन बाद करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सिंचाई करते हैं तो उपज में 15 से 20 प्रतिशत की जो है वृद्धि अपने आप हो जाती है, क्योंकि इस समय ये जो क्रांतिक अवस्था बोली जाती है, ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं गेहूं की फसल की, तो इस बात को आप ध्यान रखें। यदि आप सिंचाई थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं तो उससे उपज पर भारी फर्क पड़ जाता है। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में सिंचाई कभी भी बहुत ज़्यादा गहरी ना करें, हमेशा 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी ही करें, क्योंकि ज़्यादा गहरा पानी देने से फसल जो है वो पीली पड़ने लगती है। तो चलिए भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वह है कि गेहूं की बुआई कर दीजिए खेत में, और बुआई करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर पेंडीमेथिन 30 EC की 500 ml मात्रा को, यानी आधा लीटर मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ छिड़काव जरूर कर दें। इससे खरपतवारों के जमाव पर तेज़ी से रोक लग जाती है और विस्तृत रूप से गेहूं पर जो गेहूं का खरपतवार नियंत्रण है उस पर हम आगे वीडियो आपको जल्दी देंगे, और जो रोग और कीट वाला भाग है गेहूं की खेती का वह भी हम आगे जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आज आपको पसंद आया होगा, जानकारी जो हमने दी है। यदि वो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी के निशान को दबा के जरूर रखिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचता है जो लोग घंटी के निशान को, जो आल का बटन आता है ऊपर, उस पर सेलेक्ट करके रखते हैं, तभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद किसान भाइयों।